वंचित मैं आली जनाब एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं तमाम नांदेड़ के शहर के आवाम की ओर से कि उन्होंने नांदेड़ के आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी हुई है, एक बहुत बड़ा एतमाद जताया है। और आप जिस तरह देख रहे हैं कि अभी टिकट जाहिर हुआ है, मैं मकान पे भी नहीं गया और बाहर से एक एरिया से दूसरे एरिया में तमाम शहर के आवाम की जो मोहब्बतें उमड़ रही है, जो दुआएं उमड़ रही है, ये इस आवाम की इत्तेहाद का सबूत है। ये इस आवाम के इस इत्तेहाद के बल पर शायद मुझे बाला साहब ने मुंतखब किया है, जबकि सरमायादार और सियासी जो सरमायादार सियासतदान होते हैं उनके आप देखते हैं कि होड़ लगी हुई है, छोटी छोटी पार्टियों के पास होड़ लगी हुई है। वंचित बहुजन आघाड़ी तो एक बहुत बड़ा इनकलाब बन के महाराष्ट्र में उभरी है, लेकिन फिर भी बाड़ा साहब ने यह बता दिया कि जो छोटे छोटे तबके होते हैं, जो आम लोग होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं, जो आवाम के लिए खिदमत करना चाहते हैं, उनको वो जिनको ये व्यवस्था ने, ये सिस्टम ने सियासी अछूत बना दिया, ऐसे सियासी छुआछूत को मिटाने का इनकलाब माननीय बाला साहब ने शुरू किया। ये उसकी मिसाल है कि हमारे जैसे एक आम आदमी को यहाँ पर उन्होंने टिकट दिया है। नांदेड़ के आवाम पे मुझे भी पूरा भरोसा है कि ये 15 साल में मेरे को एक कार्यकर्ता के तौर पर ये नांदेड़ के आवाम की मोहब्बतें हैं, नांदेड़ के आवाम की ये दुआएं हैं, नांदेड़ के आवाम का ये साथ है, नांदेड़ के साथ तमाम महाराष्ट्र और मुल्क भर में जो जो लोगों की दुआ और कोशिशों की वजह से आज फारूक अहमद इस काबिल बना कि जिसको बाड़ा साहब ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे यकीन है कि इन्हीं दुआओं के, इन्हीं मोहब्बतों के और इसी दम पर इंशाल्लाह ये जीत भी हम हासिल करेंगे और बाड़ा साहब को हम मुख्यमंत्री बनाकर रहेंगे और नांदेड़ की आवाम की आवाज़ असेंबली के अंदर, ऐवान असेंबली के अंदर इंशाल्लाह बुलंद करके रहेंगे।